प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बिल्ली का वाक्या सुनाने वाले हैं। पुराने वक्तों की बात है, जब अरब में औरत जात पर बहुत जुल्म हुआ करता था। जुल्मत के अंधेरे छाए हुए थे। उस दौर में वहाँ पर एक बेवा औरत रहती थी, जिसके दो बच्चे थे। उसके शौहर का इंतकाल हो गया था। शौहर के इंतकाल के बाद उसके ससुराल वालों ने धक्के मार कर उसे घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि तुम हमारी जिम्मेदारी नहीं हो, अपना बोझ खुद उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। जब हमारा बेटा ही नहीं रहा तो हमें तुम्हारी क्या जरूरत है। दोस्तों, उस बेवा औरत की दो बेटियाँ थी। अगर बेटे होते तो ससुराल वाले जरूर गले लगा लेते कि ये हमारे वारिस हैं, मगर बेटियों को कबूल कहाँ किया जाता है। इसलिए उस औरत को घर से निकाल दिया गया। इसके बाद वो औरत अपने मायके यानी अपने माँ बाप के घर आ गई। उसके घर वाले भी कोई मोहब्बत करने वाले नहीं थे, बल्कि भाई के ऊपर पूरा घर था। और जाहिर सी बात है कि जब भाई की शादी हो जाती है तो घर में भाभियों का राज होता है, माँ बाप का कोई रोल नहीं रहता। बूढ़े माँ बाप अपनी बेटी को रोज देखते थे कि उनकी बेटी कितनी बेइज्जती सह रही है। उसकी भाभी उसको नौकरानी बनाकर रखती है। ये औरत हमेशा रोती रहती थी, लेकिन जानवरों पर रहम किया करती थी। एक दिन उसकी भाभी ने बाजार उसे कुछ सामान लेने के लिए भेजा। जब वो सामान लेने जा रही थी तो रास्ते में उसे एक जख्मी बिल्ली नजर आई। उसकी एक टांग टूट चुकी थी। उसने बिल्ली को उठा लिया और वापसी में अपने घर ले आई। अपने बच्चों से कहा, देखो बेटा, ये बिल्ली मुझे मिली है, ये बहुत जख्मी है, दर्द में है, चलो हम इसका ख्याल रखते हैं, इसकी मरहम पट्टी करेंगे। माँ बेटियों ने मिलकर बिल्ली का बहुत ख्याल रखा और उसको खाना पीना पिलाती रही, उसके जख्म को सही करती रही। यहाँ तक के 2 महीने के बाद उसकी टांग बिल्कुल सही हो गई। लेकिन उस बिल्ली को उस घर में रखना इतना आसान नहीं था। रोज भाभी ताने देती थी और भाई आकर डांटता था कि तुम्हारी वजह से पूरे घर का माहौल खराब है, तू तो हमारे सर पर पहले से ही सवार थी, अब ये जख्मी बिल्ली को लाकर हमारे सर पर बिठा दिया है, ये हमारे हिस्से का खाना खा जाती है, दूध भी पी जाती है, तुम कब तक हमारे लिए मुसीबत बनकर रहोगी। इसके बाद दिन गुजरते गए। एक दिन उसके भाई का बच्चा छत से गिर पड़ा। पूरी बस्ती में शोर मच गया। भाभी को मौका मिल गया। उसने फौरन अपने शौहर से कहा, तुम्हारी बहन की वजह से ये सब कुछ हुआ है, ये जो बिल्ली लेकर आई है उस बिल्ली के चक्कर में मेरा बच्चा छत पर चढ़ गया और वहाँ से गिर गया। इसके बाद उसकी भाभी कहने लगी, इन सबको अभी यहाँ से बाहर निकाल दो, वरना अब उस बेवा औरत पर आफत आ चुकी थी। भाई ने कहा, देखो बहन, तुम्हारी वजह से हम बहुत अजाब में मुब्तिला हैं, मेरे बीवी बच्चे सब परेशान हो चुके हैं, बूढ़े माँ बाप को पालू या तुम्हें, और तुम्हारे उन बच्चों का बोझ पालू या फिर तुम्हारी बिल्ली जो तुम लेकर आई हो, उसके खाने पीने का इंतजाम करूँ। अब तो उसकी वजह से मेरे बच्चे के साथ ऐसा मामला हो चुका है कि वो मरते मरते बचा है, तुम यहाँ से चली जाओ, अपना इंतजाम कहीं और करो, मैं अब तुम्हारी जिम्मेदारी और नहीं उठा सकता, क्योंकि माँ बाप में वो ताकत नहीं थी कि वो अपने कमजोर बच्चों के लिए लड़ सके, अपनी बेटियों के लिए वो किसी के सामने खड़े हो सके। बेवा होना या तलाकशुदा होना कोई जुर्म तो नहीं है, ये कोई बीमार तो नहीं है जिसकी वजह से औरत को धिक्कारा जाता है, क्यों उन्हें घर वाले सपोर्ट नहीं करते, क्यों बेवा या तलाकशुदा औरत को बोझ समझते हैं। दोस्तों, इस्लाम में कहा गया है, जैसा कि हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कि जिसने मुश्किल वक्त में अपनी तलाक याफ्ता बेटी या बेवा बेटी को संभाला तो वो मेरे साथ ऐसे होगा जैसे 2 उंगलियां बराबर होती है। लेकिन दोस्तों, वो जाहिल लोग इस बात को नहीं समझते थे। वो आलेदान रोते पीटते रहे कि उनके बेटी के साथ इतना बुरा सलूक हो रहा है, नौकरानी बनाकर उसे रखा हुआ है, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं कहा और यूं बेटी अपने माँ बाप को खामोशी से देखती हुई चली गई। वो औरत जाकर मेहनत मजदूरी करने लगी। उसको कहीं पर एक छोटी सी झोपड़ी मिल गई। किसी ने एहसान करके उसको एक झोपड़ी दे दी। वो औरत वहाँ पर रहने लगी और लोगों के घरों में काम काज करके अपना घर चलाने लगी। दोस्तों, उसके शौहर ने मरने से पहले अपने एक करीबी दोस्त के साथ एक एहसान किया था। जब उसका दोस्त बहुत मुश्किल में था, सख्त परेशान था, तो उसने अपने दोस्त को 10,000 दिनार दिए थे और कहा था, ऐ मेरे दोस्त, तुम ये रख लो और अपना काम चलाओ। जब उसे ये पता चला कि मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया है, तो उसने सोचा
कि मेरे दोस्त ने मुझे मुश्किल वक्त में 10,000 दिनार दिए थे। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके 10,000 दिनार उसकी बेवा को वापस लौटा दूं, ताकि वो इस मुश्किल परेशानी से बाहर आ सके। उसके बाद वो आदमी उस बेवा औरत के ससुराल गया और कहा, मुझे बहुत अफसोस हुआ, मेरा दोस्त दुनिया से जा चुका है, मैं उस वक्त इस मुल्क में नहीं था, भाभी कहाँ पर है, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो ससुराल वालों ने कहा, नहीं है, वो यहाँ नहीं है, वो अपने मायके जा चुकी है। तो उसने मायके का पता मालूम किया और वहाँ पहुँच गया और कहा कि क्या फला औरत यहीं रहती है, भाई तो घर पर नहीं था। वही तेज तर्रार भाभी थी, वो कहने लगी, बस क्या बताए, वो बोझ बनकर बैठी हुई थी और एक दिन गुस्से में आकर ना जाने कहाँ चली गई, हमें तो उसके बारे में कुछ नहीं पता। अब वो आदमी परेशान होने लगा कि उस औरत की कैसे मदद करूं। जैसे ही वो आदमी घर से बाहर निकला तो वो बिल्ली घर के बाहर मौजूद थी। बिल्ली उस आदमी की टांगों से लिपट गया। दोस्त ने देखा, ये कौन बिल्ली है, ये मुझसे इतना प्यार क्यों कर रही है। वो समझ गया कि ये जरूर मुझे कुछ ना कुछ बताना चाहती है। इसके बाद बिल्ली आगे आगे चलने लगी और उसका दोस्त पीछे पीछे चलने लगा। यहाँ तक के वो झोपड़ी तक पहुँच गया जहाँ पर वो बेवा औरत रहती थी। आदमी ने दरवाजा खटखटाया तो औरत ने पूछा, कौन है। आदमी ने कहा, मैं आपके शौहर का दोस्त हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, कुछ जरूरी बात करनी है आपके शौहर के हवाले से। उस औरत ने उसे घर के अंदर बुला लिया तो वो आदमी कहने लगा, आप मेरी बहन हो, आपके शौहर ने यानी मेरे दोस्त ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया था, अब मैं अपने शहर का बहुत अमीर इंसान हूँ, लेकिन वो जो 10,000 दिनार आपके शौहर ने मुझे दिए थे वो लौटाने आया हूँ, उसके अलावा भी कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। तो वो औरत कहने लगी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। तो वो आदमी कहने लगा, मैं जानता हूँ कि आपका कोई सहारा नहीं है, आपको सब ने घर से निकाल दिया है, आपसे मैं कहता हूँ कि आप मेरे साथ चलिए, मेरे बीवी बच्चे और मेरे माँ बाप मेरे साथ ही रहते हैं, अब मैं आपको इस दुनिया में यूं तन्हा नहीं छोड़ सकता, आप मेरे घर चले, मेरे घर का हिस्सा बनकर रहेंगी। मेरे दोस्त ने मुझ पर उस वक्त एहसान किया था जब मैं गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा था, उसी दोस्त की वजह से मैं आज इस काबिल खड़ा हूँ, तो क्या उसकी बीवी को भी मैं ऐसे छोड़ सकता हूँ। आप हमारे घर चले, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो बिल्ली खड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्ली मुस्कुरा रही है और कह रही है कि तुमने मुझे एक बार घर दिया था तो अल्लाह ने तुम्हें कैसे नवाजा, अल्लाह ने तुम्हें कैसी इज्जत दे दी, सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को सवाब की नियत से जितना हो सके उतना शेयर कर दे। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।